फास्ट रनिंग चिकन बिरयानी वाला। पांडुरंगा के बचपन में उसके माता पिता मर गए थे, इस वजह से वो अपने दादी के पास ही पला बड़ा था। उसकी दादी गांव के शादी और दूसरे समारोह में खाना बनाते हुए पोते को पालती है। उसके हाथ का खाना खाकर स्वाद बढ़िया है कहकर तारीफ करते तो वो बहुत खुश होती थी। उसका पोता पांडुरंगा पढ़ नहीं पाया, इसलिए दादी के काम में हाथ बटाने लगा। एक बार वो, मैं और कितने दिन ऐसे दादी के ऊपर निर्भर होकर जीऊं? कल के दिन अगर दादी को कुछ हुआ तो मेरा क्या होगा, इसलिए मुझे भी कोई काम करके पैसे कमाना होगा, सोचा। और दादी से, दादी मैं कल से तुम्हारे साथ नहीं आऊंगा, मैं व्यापार करूंगा, कहा। तब दादी हंसकर, तुम्हें क्या अनुभव है जो व्यापार करने के रहे हो, निवेश करने के लिए तुम्हारे पास क्या है, कहा। पांडुरंगा, मेरा निवेश तुम ही हो दादी, तुम्हारे बनाए चिकन बिरयानी की महक इस गली के आखिर तक आती है, तुम मुझे बिरयानी बना कर दो, मैं उसे बस स्टैंड में यात्रियों को बेचूंगा, ऐसे अच्छे से कमा कर उसी बस स्टैंड में एक होटल खोलकर बहुत पैसे कमाऊंगा, कहा। दादी ठीक है कहकर मान गई। दादी के बनाए चिकन बिरयानी को पार्सल बनाकर उसे एक थाली में रखकर बस स्टैंड में बस के पास फिरते हुए, आप बिरयानी बिरयानी गर्मा गर्म बिरयानी स्वादिष्ट चिकन बिरयानी कहकर पुकारते हुए बेचने लगा। मगर शाम तक एक दो बिरयानी ही बिकते थे, वो बचे हुए बिरयानी को घर लाता था। एक बार ये गौर करके दादी उससे, ये क्या रे, बिरयानी कोई खरीद नहीं रहा है क्या, या तुम बेच नहीं पा रहे हो, कहकर पूछी। पांडुरंगा निरुत्साह से बस के आते ही भागते हुए जाकर गला फाड़ कर पुकारे, तो भी कोई खरीद नहीं रहा दादी, मुझसे ये व्यापार नहीं होगा, कहा। दादी थोड़ी देर सोचकर, फिलहाल तो मुझे खाना बनाने का काम कुछ नहीं है, मगर चलो कल से मैं भी आऊंगी, बोली। पांडुरंगा तब, जो मुझसे नहीं हो सका वो तुम कैसे कर पाओगे, ठीक है चलो, कहा। अगले दिन एक बस के रुकते ही कंडक्टर और ड्राइवर चाय पीने के लिए बस उतर कर गए। दादी तुरंत बस चढ़कर आखिरी सीट पे बैठ गई। पांडुरंगा थाली पकड़कर बिरयानी गर्मा गर्म चिकन बिरयानी कहकर पुकारते हुए बस के पहले खिड़की के पास खड़े होकर बिरयानी बेच रहा था। वहाँ बैठा यात्री, नहीं नहीं मुझे नहीं चाहिए, कहा। पांडुरंगा ऐसे पुकारते हुए पीछे आते हुए हर खिड़की के पास पुकारने लगा, फिर भी कोई खरीद नहीं रहा था। तब दादी जोर से, ए बिरयानी वाले एक बिरयानी दो, कहकर पुकारी। पांडुरंगा बिरयानी देकर पैसे, कहा। दादी, रुको भाई ये ताजा है कि नहीं देखने तो दो, कहकर बस में जब सब उसे देख रहे थे, वहीं बिरयानी के पैकेट को खोलकर अच्छे से सूंघकर, वाह इसकी महक बढ़िया है, कहकर वहां बस में बैठे थोड़े यात्रियों के नाक के सामने बिरयानी को रखकर, मुझे जुकाम हुई है बेटा, जरा इसकी महक देखकर बोलो बेटा, महक अच्छी है क्या, कहते हुए बिरयानी लेकर उनके नाक के सामने रखी। उसे सूंघ कर एक, वाह ये खुशबूदार है, कहा। दूसरा, ये तो एकदम हमारे लखनऊ बिरयानी के जैसे मस्त है, कहा। एक और, मुंबई के स्टार होटल के बिरयानी के जैसे महक मस्त है, कहकर बोले। दादी तब, ए बिरयानी वाले ऐसे खड़े क्यों हो, अंदर आओ, इन्हें हमारे गांव के बिरयानी का स्वाद नहीं चखाओगे क्या, कहकर पुकारी। पांडुरंगा तुरंत बस के अंदर आया। तब तक जो लोग उसकी खुशबू की तारीफ कर रहे थे वो सब बिरयानी खरीद कर खाने लगे। बाकी के लोग खरीदे कि नहीं कहकर सोच रहे थे। ये गौर करके दादी पैकेट खोलकर एक निवाला बिरयानी लेकर, पता नहीं इस जुकाम के वजह से मेरी जुबान भी फीकी पड़ गई है, कहकर बाकी के लोगों से, झूठा है कहकर सोचे बिना इसे प्रसाद के जैसे सोचिए, खाकर स्वादिष्ट है कि नहीं मुझे बोले तो घर जाते वक्त मेरे पोते के लिए 4 पैकेट खरीद कर ले जाऊंगी, कहते ही ठीक है दादी जी कहकर सबने हाथ आगे किए। दादी ने सबके हाथों में थोड़ा थोड़ा बिरयानी रखा, उसे खाकर वो लोग उसके स्वाद को फिदा हो गए। वो लोग तुरंत पैसे निकालकर पांडुरंगा के पास से बिरयानी ले लिए।
बाद में बस उतरने के बाद पांडुरंगा दादी से, सुपर दादी सारे बिरयानी के पैकेट्स बिक गए, कहकर खुशी से कहा दादी। तब तुम क्या करोगे कहकर बोले थे ना, अब पता चला कि मैं क्या कर सकती हूँ। हमने जिंदगी को पढ़ा है, कब क्या करना है, कैसे बात करना है, हमारी तजुर्बा हमें सब बताती है। ठीक है, शादियों का सीजन शुरू होने वाला है, मैं और 4 दिन ही यहाँ पर आकर तुम्हें बिरयानी बेचने में मदद कर सकती हूँ। बाद में तुम्हें ही समझदारी से बिरयानी बेचना होगा। बोली पांडुरंगा, मुझे माफ करो दादी, तुम्हारी बात समझ आई। अब से लोगों से कैसे बात करके कैसे व्यापार करना है मुझे अच्छे से समझ आ गया है, कल से ऐसे ही करूँगा, कहा।